लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका है, लेकिन अपने साथ कई आर्थिक समस्याओं को लेकर खड़ा है सामने। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी और उनके आर्थिक नुकसान दोनों से निपटने की चुनौती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए, किसान प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं पैसे की जरूरत है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे चीट देती है। सरकार को साहूकार नहीं माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के लिए सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रभावित सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजना चाहिए। कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से एजेंसियों की नजर में भारत की रेटिंग कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि फिलहाल भारत के बारे में सोचिए, रेटिंग के बारे में नहीं। भारत के सभी लोग अगर ठीक रहेंगे तो एक बार फिर से मिलकर काम करेंगे और रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली शाइनिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।